विशा हैप्पी बर्थडे। यार उल्टा ले लो उसको, गलत जगह खड़े हम लोग, अगेंस्ट आ रहा है, बराबर लाइट नहीं आ रहा है। तेरा मोबाइल पीछे है। भाई केक कटिंग, आजा भाई केक कटिंग, केक कटिंग करो रहे वो लाइट की तरफ आ जा, आ जा इधर ही वो मटा दे भाई, वो साइड में आ जा भाई, वो साइड में आ जा। अरे लाइट देख रहा हूं मैं किधर है, वो साइड में आधा लाइट है, माइक हटा, माइक लगाना चाहिए था तुमको भाई, प्रभात उठा जल्दी, हां सो पे लाइट लगा लो यार। अरे नहीं छोड़, चलो नहीं नहीं मिलेगा लाइट, इधर से लाइट छोड़ दो, ये भागी क्यों जा रहे, पीछे होना यार, पीछे कितने के पड़ी है ये, पीछे पीछे कैंडल, कैंडल में है क्या, वेयर इज दैट लाइटर, अच्छा दिन है और इतनी सही जगह से जस्ट मैं अभी आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस इंशाल्लाह ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसको मैं करते रहूँ और बरकरार रखूँ, जैसे लोग प्यार करते हैं मुझे, जिस वजह से करते हैं बहुत करते हैं, जो भी करते हैं सब यही साल हो गया, और बस यही कहूँगा गाइस के किसी की नज़र ना लगे, चलो प्रभात राइट राइट, चलो चलो भाई वहीं खड़े, हेलो 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 हेलो, चार में मोटर बाइक है, चार में मशीन बाइक है, मैं पकड़ लूँ क्या, भाई भाई कैमरा को प्लीज, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिलती है जब सब कुछ देखते हैं, अपना स्टार्टअप देखते हैं, बहुत खुशी मिलती है और हमेशा मेरी खुशी में मेरे जो चाहने वाले हैं जिनके वजह से मुझे आज ये खुशी मिल रही है, मैं उनका जिक्र हमेशा करता हूँ और मैं करते रहूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि इतनी कम उम्र में जैसे आपने कहा कि मतलब इतनी सारी तरक्की और इतनी सारी चीज़ें मिली है, वो उनके प्यार और सपोर्ट की वजह से मिली है, मैं तो बस अपना 100% दे रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कोई ऐसी चीज़ ना हो जो छूट जाए और आगे चल के मैं अफसोस करूँ कि यार वक्त था मगर हो नहीं पाया, तो अपनी जी जान लगा देता हूँ जो भी चीज़ में जाता हूँ, और प्यार करने वाले तो हमेशा हर जगह है ही है, बस तो एक आम लड़का जो फैजू था आज इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, कितना अंतर आया है जीवन में, लोगों का नज़रिया कितना बदला है आपके लिए, आपका नज़रिया कितना बदला है खुद के लिए, मेरा नज़रिया खुद के लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है, एक मेरा नज़रिया जो था मतलब खुद को लेके या मेरी चीज़ों को लेके या मेरे डे टू डे चीज़ों में मैं वक्ती तौर पे जो करता हूँ वो सारी चीज़ों को लेके वो बहुत अच्छी हो गई है, बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है और मैं दुआ भी करता हूँ कि ऐसी तरक्की बरकरार रहे, और लोगों का नज़रिया वो तो एक वक्ती तौर पर जब इंसान के हालात जब अच्छे हो जाते हैं तो लोगों का नज़रिया भी अलग हो जाता है, बट मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे जो चाहने वाले हैं वो हमेशा से मुझे यही कहते आ रहे हैं कि मतलब तुझ में वो बात है और तू वो कर लेगा हासिल, तो बस मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा नज़रिया तो लोगों का बदलते ही रहेगा,
साथ ही आज आपका बर्थडे है तो क्या कुछ प्लान किया है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सभी के कमेंट्स बहुत कुछ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बर्थडे प्लान का तो मैं आपको यही कहूँगा कि आज मैंने कोशिश किया हूँ, मैंने इनविटेशन दिया हूँ मेरे सारे दोस्तों को जो मेरे शो में अभी, मतलब जैसे मैंने अभी एक शो ख़त्म किया वो खतरों के खिलाड़ी, अभी मैं एक दूसरा शो कर रहा हूँ, तो जितने भी कंटेस्टेंट थे वो मतलब एक फैमिली जैसे बन गए मेरे, और मुझे बहुत अच्छी, मतलब एक रहता है ना कि एक बॉन्ड जो इतने वक्ती तौर पे जो बन जाता है ना, तो वो एक बॉन्ड अलग ही होता है। मैंने ये पहला है मेरा रियलिटी शो था, फिर ये अभी मैं सेकेंड कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, और मैं यही कहूँगा कि मैंने उन लोगों को आज अपने बर्थडे पर बुलाया भी हूँ, तो आई होप, मैं दुआ करता हूँ कि वो लोग आए। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लानिंग पूरी जोरों शोरों से है, और बस मैं यही कहूँगा कि रात से ही मेरा बर्थडे का केक कटना शुरू हो गया था, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इंस्टा पे डाला भी हूँ, तो बस यही है, हमेशा हर बार की तरह मतलब मैं बाहर जाता था अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था, मगर इस बार अभी ऐसा हो गया है कि नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो यही है बस। साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहित शेट्टी की फिल्म में बहुत ही जल्द दिखने वाले हैं फैजो, क्या ये सच है, और अगर दिखने भी वाले हो तो किस तरीके का किरदार आपका देखने मिलेगा? देखो ये बात तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, बट लोगों के मुंह में घी शक्कर और मेरे मुंह में भी घी शक्कर, मैं सुनने के बाद में बहुत खुश हो गया हूँ, बट मैं यही कहूँगा कि गाइज ऐसा कुछ नहीं है, बट आई होप ऐसा कुछ हो, और मैं बहुत दिल से दुआ करता हूँ कि ऐसा हो कुछ, क्योंकि मैं इतनी तेज़ी में इतना काम कर रहा हूँ, और मेरा जो एक एम है, मेरा जो एक मतलब गोल है वो वहाँ तक पहुँचना है, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी जान लगा रहा हूँ मैं, और लोग इतना प्यार कर रहे हैं कि मतलब मैं आपको फिर से बताऊँगा कि मैं 15 सेकंड की वीडियो बना रहा था, फिर मेरी जर्नी चेंज हुई म्यूज़िक वीडियो से वेब सीरीज़ के बाद में शोज़, तो इतनी तेज़ी में अगर किसी की जर्नी चेंज होती है तो फैंस भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसकी तो मूवी आना चाहिए, तो बस मेरे फैंस लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से। मूवी की बात कर रहे हैं, आपने वेब सीरीज में काम किया है, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं आपको आईकॉन माता, तो इन्फ्लुएंसर्स का जो एक्टिंग का कैपेबिलिटी है आपको क्या लगता है, उनको अगर बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो क्या प्रूव कर सकते हैं आपको बड़े प्रोजेक्ट में? हाँ, सबके एक्सपीरियंस की बात है, अगर जैसे कि उनको कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो वो अपने आप को पूरी तरीके से ट्रेन करें, अपने आप को पूरी तरीके से उस चीज़ में ढाल लें, मुझे लगता है कि हर किसी में वो बात है अगर वो करना चाहे तो। साथ ही फैजो, अगर बिग बॉस 16 में आने का मौका मिलता है तो फिर क्या कुछ धमाल आप करेंगे, क्योंकि कंटेस्टेंट्स तो अंदर बहुत ही एकदम टफ दिख रहे हैं, अगर आप जाएंगे तो क्या कुछ चेंजेस आप लाएंगे बिग बॉस के जरिए? मैं अभी तो हाल फिलहाल एक शो कर रहा हूँ, और मैं चाहता था कि मैं बिग बॉस में जाऊँ, बट ये हो गया कि ये शो अभी रन हो रहा है, फिर मैं ये शो के साथ ही साथ दूसरे शो पर नहीं जा सकता हूँ, बट आई होप कि मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगा, और वो भी कलर्स का ही है, झलक दिखला जा, तो अभी तो मतलब ऑन एयर भी आ ही गया 5-6 एपिसोड, लोगों को अच्छा भी लग रहा है, मेरे डांस की तारीफ भी हो रही है, तो मैं अगर एक चीज़ पे लगा हूँ तो मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रहा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। झलक में कौन लगता है सबसे ज़्यादा कॉम्पीट, जिससे हो रहा है सब कुछ लग रहा है जो बहुत टफ कॉम्पिटिटर है, क्योंकि इसके पहले रुबीना भी थी खतरों में, सो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सही बताऊँगा ना कि मेरी जो है एक ये चीज़ थी कि कौन सा ऐसा टफ कॉम्पिटिटर है जिससे आपको मतलब लगता है कि हाँ आपको खतरा है या डर है, मुझे सच में ऐसा कोई नहीं लगता था, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था खुद के लिए, और मुझे खुद को प्रिपेयर करना था, मुझे खुद को कंपटीशन मानना था, और मैंने वो किया, और मैं यहाँ जाके टॉप 2 तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा, मैं यहाँ पर भी वही अपना ट्रैक पूरा बिछा के रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना कि ये चीज़ एक्सपीरियंस के लिए है, ये आप एक बार करोगे तो आपको वापस नहीं मिलने वाला है, तो इसको एक्सपीरियंस की तरह लो, इसको खेलो कूदो, बस मेरा वही सोचना है। फैंस लोग को यही कहूँगा, गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच, और बहुत सारे बर्थडे विशेस भी आए हैं मुझे आप लोगों की तरफ से, बस मैं यही कहूँगा गाइस आप लोग ऐसी प्यार और सपोर्ट करते रहो, जो हमेशा मैं बोलता हूँ वो फिर से मैं बोल रहा हूँ, और मैं बहुत कुछ करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।